प्रतिष्ठा, धार्मिक, केशवी, एंजल, लक्ष्य, ध्रुव, ध्रुव पीपी सवानी, राजेश नंदिनी, भावना, वर्षिल, ध्रुत, आदित्य एसवीवी, निराली चौधरी, जील, जील चौधरी, जील फ्रॉम पीपी सवानी। जील ने पहले कोई क्लास अटेंड करी है क्या कभी? हैं? तन्वी, प्रियंका, मनीषा, अभिषेक, पूजा, भूमिका, ध्रुव, ध्रुव एसवीवी, जयवीर, देवराज, कृपल गामित, दीप चौधरी, मयूर, खुशी पटेल, वंश, नील, प्रियांशी, अनिरुद्ध, भूमिका गोयल, स्टेफी, पटेल ओम, लीजा, जील का फर्स्ट क्लास है ना आज? दर्शनिका, किरमी, कैनिल, तनुश्री जोशी,
अच्छा ये दर्शित है, दर्शित करके एक लड़का है, ये क्यों नहीं आ रहा है? ये बीच बीच में आता है, बीच बीच में नहीं आता, इसका पता करो जरा, दर्शित का पता करो। जील का तो आज फर्स्ट क्लास है। एक ये अदिति भी नहीं आती, कभी आती कभी नहीं आती। और एक ये संजो, ठीक है, तीन चार बच्चे जो हिट लिस्ट में है अभी। शिवानी चौधरी का भी गड़बड़ी चल रहा है अभी, अटेंडेंस बहुत कम है ना। दर्शित का नेटवर्क इशू है, इतना कितना नेटवर्क इशू बेटा, साल खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नेटवर्क इशू नहीं खत्म होगा, पूरा साल खत्म होने को आने वाला है। अब तो नेटवर्क इशू को रिजॉल्व करो कैसे करके, है ना। नेटवर्क इशू अब नहीं आना चाहिए इस टाइम पे। चलो ठीक है, और कोई रह गया अटेंडेंस में तो बताओ, और किसी का अटेंडेंस रहता है क्या? यस, सबका अटेंडेंस डन। हर्ष एसवीवी, ओके, चलो डन डना डन। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। हर्षिल हैज आल्सो जॉइन ना, हर्षिल, ये हर्षिल का भी नाम, हर्षिल, हर्षिल भी नहीं आता बेटा। हर्षिल क्लास में क्यों नहीं आते? 41 स्टूडेंट्स आ गए। हाँ वो मैंने देखा, 41 स्टूडेंट्स एंटर हो गए। हर्षिल भी फर्स्ट टाइम आ रहा है क्या? हर्षिल का भी नाम नहीं मेरे पे, बहुत कम क्लासेस अटेंड करी है हर्षिल ने भी। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम ले लिया हमने अटेंडेंस में। लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? अभी 40 हो गए, एक अटेंडेंस और मैं लूंगा बाद में। कल हम क्या डिस्कस कर चुके थे बेटा? स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ चलो, स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट इसका रिकैप करते हैं। हमने दो केसेस डिस्कस करे अभी तक। पहले केस में हमने ये डिस्कस किया क्या हो रहा है, हाँ फर्स्ट केस में हमने ये देखा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था बिकॉज फ्लक्स में चेंज हो रहा था। फ्लक्स में चेंज की वजह से आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। सेकेंड केस में हमने ये देखा कि जब हमने एरिया को चेंज किया तब भी आपका फ्लक्स में चेंज हुआ और अगेन आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फिर थर्डली हमने ये भी देखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फील्ड और एरिया से रिलेट किया था, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी रिलेट करके फ्लक्स कैलकुलेट किया था, ईएमएफ कैलकुलेट किया था ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड को भी रिलेट करके। दोनों को रिलेट करके ईएमएफ प्रोड्यूस किया है ना। अच्छा, ये वाले दो केसेस में जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, इसको हम बोलते थे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ का वैल्यू हमें कितना मिलता था? मोशनल ईएमएफ का वैल्यू हमें मिलता था ई इज इक्वल टू बी टाइम्स एल इंटू वी, है ना। मोशनल ईएमएफ इज योर बी टाइम्स एल इंटू वी, वेर बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड, एल इज योर लेंथ एंड वी इज योर स्पीड। ठीक है, ये केस हमने डिस्कस कर लिए थे कल तक। यहां तक सबको क्लियर था? यस, ये तीनों केसेस सबको क्लियर हो गए? एवरीवन, यहां तक हमने कल चर्चा कर ली थी, मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लैरिटी होगी, है ना। चलो, वेरी गुड। अब आज हम चलते हैं एक नए केस की तरफ, फोर्थ केस। अच्छा, होमवर्क नहीं कर रहे बहुत सारे बच्चे, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। होमवर्क आपको दे रहा हूँ, होमवर्क सबको करना है बेटा। जो लोग होमवर्क को वापस से लाइट लेने लग गए, वापस अपने ट्रैक पे आ जाओ। होमवर्क को सीरियसली सॉल्व करो, होमवर्क आप लोगों के लिए। उसको सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है ना। देखो, क्लास अटेंड करना आपका 60% वर्क होता है। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो सिंसियरली और उसको प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, ये आपका 60% वर्क है, और 40% आपका होमवर्क रहता है। तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, हम क्लास तो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं तो होमवर्क करने की क्या जरूरत। ऐसा मत सोचो, क्लास वर्क आप अटेंड कर रहे हो मतलब आप 60% अपना टास्क सिंसियरली कर रहे हो। होमवर्क अगर आप करोगे तो 40% जो रिमेनिंग है वो भी आप अच्छे से कर लोगे। जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे उनका लैगिंग हो रहा है यहाँ। और होमवर्क में अगर लैगिंग हो गई तो आपका रोज 40% कम होता जाएगा। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसका होमवर्क आपको तुरंत कर लेना है, ठीक है। नहीं तो ये 40% में आप लैग कर जाओगे, 40% में लैगिंग हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना हमको। हम लोग टारगेट लेके, हम सिलेबस को इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि हम बोर्ड में 90% से अप अचीव करें। अगर हमें 100% में से 90% प्लस मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो हमें होमवर्क डेली फॉलो करना पड़ेगा। क्लास के अलावा होमवर्क भी आपको करना है, ठीक है। होमवर्क में किसी भी तरह की कोई लैगिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, दर्शित हैज ऑल्सो ज्वाइंट, आज सब भेज दिया था। हाँ, वेरी गुड, जिन्होंने होमवर्क किया बहुत अच्छा। जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए बोल रहा हूँ, वो होमवर्क करें रेगुलरली, है ना। होमवर्क इज फॉर यू ओनली। तो हम क्यों 40% में हमारा लैगिंग करवाएं, जब हम 90% आसानी से स्कोर कर सकते हैं। प्लस हमारे पास अभी 6 महीने का टाइम और है, 6 मंथ्स का टाइम हमें और मिल गया है। इतना टाइम हमारे पास है तो हम एक एक टॉपिक को बहुत पक्का कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवीजन भी कर सकते हो। एक टॉपिक का आप कम से कम इतने टाइम में 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हो, है ना। 3 से 4 बार आप रिवीजन कर सकते हो। और जब आप हर टॉपिक का 3 से 4 बार रिवीजन करोगे तब आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यस, आई कैन अचीव 90% प्लस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। और जब आपका बोर्ड में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम में अपने आप लेवल ऊपर उठने लगेगा, है ना। एक बार बोर्ड का आपका पक्का हो जाए, सिक्योर हो जाए कि मेरा 90% टारगेट अचीव हो गया है, एंट्रेंस में आपका अपने आप एफर्ट लगने लगेगा, है ना। ये मैंने कई बच्चों का ऑब्जर्व किया है, जिन बच्चों को बोर्ड में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई कैन इजीली अचीव, तो वो एंट्रेंस में अपने आप मेहनत करते हैं। लेकिन जब हमारा बोर्ड में मोरल डाउन रहता है,
90% अचीव करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर से, तो हम एंट्रेंस पे उतना फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलो कि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बोर्ड में तो मैं आराम से 95% अचीव कर ही लूंगा, और इतना एफर्ट्स हम लोग डेली दे रहे हैं तो आराम से आएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बस पंक्चुअलिटी आपको रखनी है क्लासेस में और होमवर्क में, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, उतना ही करना है। जितना मेथड आपको बताया उतना फॉलो करते रहो, अच्छे से फॉलो करोगे तो आराम से मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, ये तो कहानी आपको बता दी। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे और ईएमएफ के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ईएमएफ प्रोड्यूस करने का एक और फैक्टर है जिस पे अभी तक हमने बात नहीं करी, वो है आपका थीटा। थीटा इज योर ओरिएंटेशन। जब हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, मतलब आपका थीटा अगर चेंज होता है तो आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट रखेंगे, एरिया को भी कांस्टेंट रखेंगे, हम किसको चेंज करेंगे, थीटा को चेंज करेंगे। तो जब हम थीटा को चेंज करेंगे तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा फ्लक्स को, और जब फ्लक्स आपका चेंज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ। ठीक है, जैसे ही आपका फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आज हम ये वाला पैरामीटर डिस्कस करेंगे कि ओरिएंटेशन कैसे अफेक्ट करता है, हाउ डज ओरिएंटेशन अफेक्ट्स योर इंड्यूस ईएमएफ, है ना, हाउ डज ओरिएंटेशन अफेक्ट्स योर इंड्यूस ईएमएफ। चलो देखते हैं, हमारी स्लाइड पे आ जाते हैं, कम बैक टू आवर स्लाइड। By changing the orientation of the coil, we can produce the EMF. ठीक है, अब suppose करो हमने एक coil लिया, magnetic flux is changed by changing the relative orientation. देखो, by changing the relative orientation of the loop with the magnetic field, and hence EMF can be induced in the circuit. ये तो मैंने आपको बता दिया, अब देखते हैं कैसे produce करते हैं। तो suppose करो ये आपकी uniform magnetic field है और इसके प्रेजेंस में हमने एक कॉइल को रखा। ठीक है, अब देखो कॉइल का ओरिएंटेशन हमने चेंज किया, फिर से देखो, पहले कॉइल ऐसी थी, फिर ये रोटेट हुई कॉइल, पहले कॉइल आपकी ऐसी थी, फिर हमने कॉइल को रोटेट किया। ठीक है, पहले आपकी कॉइल ऐसी थी, फिर हमने कॉइल को रोटेट किया, है ना। तो रोटेशन के साथ क्या हो गया, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको कट करके जा रही है वो चेंज होगी। सपोज करो पहले आपका कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसा था तो फील्ड लाइंस ऐसे कट करके जा रही थी, फिर आपने इस कॉइल को रोटेट किया ओमेगा से। ठीक है, तो जब आप रोटेट करोगे तो अब कुछ कम लाइंस इसको कट करके जाएगी, है ना, मतलब एंगल आपका चेंज हो रहा है। कहने का मतलब जब एंगल चेंज हो रहा है तो आपका थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, जब थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो आपका फ्लक्स भी चेंज होगा, है ना, थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो आपका फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा फील कर लो, ये हमने कॉइल को ऐसे रोटेट किया, पी क्यू आर एस आपकी कॉइल है, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है, एरिया का वेक्टर। ठीक है, ये जो वेक्टर है एन वेक्टर, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है। ठीक है,
नॉर्मल वेक्टर एरिया का इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है। देखो थीटा वापस किसका एंगल है, ये एरिया का नॉर्मल वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इंटू एन, ठीक है, एन इंटू बी ए कॉस थीटा। अब आपका चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, थीटा आपका चेंज हो रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ आपका क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ये वही है, देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब यहां पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड आपकी एंगुलर स्पीड है, और टाइम से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया थीटा। थीटा टाइम का फंक्शन है। अब आपका देखो पहले जो केसेस हम पढ़ते थे वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन होता था, जब मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन होता था। सेकेंड केस में हमने देखा एरिया आपका टाइम का फंक्शन होता था, एरिया टाइम के साथ चेंज करता था। अब हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आपका थीटा जो है वो टाइम का फंक्शन, थीटा आपका टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जो भी है चेंज हो रहा है ना, थीटा आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ अगर कोई पैरामीटर में चेंज होता है तभी आपका फ्लक्स में चेंज होता है। टाइम के साथ अगर इन तीनों में से कोई भी पैरामीटर में चेंज होगा तभी आपका फ्लक्स में चेंज होगा। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। वेरी गुड। टाइम के साथ जब कोई पैरामीटर में चेंज होता है तभी फ्लक्स में चेंज होता है, तो ये चीज हम देख चुके। ओमेगा से हमने इसको रोटेट किया, फ्लक्स हमने लिखा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, लूप इज अज्यूमिंग टू बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो आपका लूप कैसा था, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, है ना, पहले आपका लूप ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो इनिशियली आपका थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। फिर जैसे आपने रोटेट करना स्टार्ट किया तो इसका एरिया वेक्टर चेंज होता जाएगा, जैसे कॉइल आपकी रोटेट होगी तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा चेंज होता जाएगा। एरिया वेक्टर चेंज होने की वजह से आपका जो ये नॉर्मल वेक्टर है एरिया का, उसमें और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होता जाएगा। ठीक है, कॉइल आपकी रोटेट कर रही है तो आपका एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, बार बार एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखी। अब मैं फ्लक्स को क्या लिखूंगा, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्या मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स को, आई कैन राइट एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि अब मेरा वेरिएबल क्या है, थीटा, ये पार्ट मेरा कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल मेरा ये पार्ट है, ओमेगा टी वाला पार्ट। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो हमें ई एम एफ मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएट जैसे आप करोगे यू विल गेट डी फाइव बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो आपको ये टर्म मिलेगा माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से आप बड़े ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट आपका पूरा कॉन्स्टेंट है, एन आपका कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट वाले टर्म को मैंने एक नाम दे दिया ई नॉट। ठीक है, दिस इज योर वेरिएबल ईएमएफ व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस तरह का आपको फंक्शन मिल गया। तो ये जो फंक्शन है देखो साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन आपका जो ईएमएफ हमें मिल रहा है ये किसका फंक्शन मिल रहा है, साइन का फंक्शन, साइन ओमेगा टी का फंक्शन। और साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का कर्व होता है,
साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है ऐसा? मतलब आपका ईएमएफ का जो नेचर है वो साइन का फंक्शन है, और साइन का ग्राफ इस तरह का होता है, ऑल्टरनेटिंग कर्व होता है। तो ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको मैं बोलूंगा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यही वो फैक्टर है जो आपका, यही प्रिंसिपल आपका जनरेटर्स में यूज होता है, जहां पे आपका एसी करंट पैदा होता है। एसी करंट को पैदा करने का यही प्रिंसिपल है। जब आप किसी कॉइल को रोटेट करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें से एसी करंट जनरेट होता है। इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 7 यही है, ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन उसकी छोटी सी एक आप झलक देख सकते हो इधर, कि एसी करंट का नेचर बिल्कुल इस तरह का ही होता है। वहां पे जब हम डिस्कस करेंगे एसी करंट, तो वहां पे प्रिंसिपल आपको नहीं बताऊंगा, प्रिंसिपल यहीं पे है। यही प्रिंसिपल है ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने का। जब आपकी कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तब उसमें जो करंट इंड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आप इक्वेशन से देखो, आपको ग्राफ से पता चलेगा। जब हमने इक्वेशन निकाला ईएमएफ का, तो देखो ऑल्टरनेटिंग रिलेशन मुझे मिल रहा है, साइन का फंक्शन मिल रहा है, और साइन का ग्राफ कुछ इस तरह का ही होता है। और जब आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दोगे, तो भी इसका बेसिक नेचर तो यही रहेगा, है ना। इसकी पीक वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन इसका बेसिक नेचर तो सेम ही रहेगा, ऑल्टरनेटिंग। समझ रहे हो? इसकी पीक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन इसका बेसिक नेचर तो सेम ही रहेगा, ऑल्टरनेटिंग। समझ आ रहा है आप लोग? यहां तक सब क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ऑल्टरनेटिंग करंट में यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, है ना। ये पार्ट सबको क्लियर हो गया? यस सर, वेरी गुड। तो ये हमने सारे फैक्टर्स लगभग डिस्कस कर लिए जो ईएमएफ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब देखो इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया इधर। द ईएमएफ चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गिविंग राइज टू ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ आपका कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, क्योंकि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, हमें इस तरह का रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब आपका ईएमएफ कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी वजह से आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इसको प्लॉट करते देखो ग्राफ पे, तो यहाँ पे सारे एंगल्स लिख दिए मैंने, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ईएमएफ लिखा। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो देखो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जैसे साइन थीटा का कर्व होता है। साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, 180 पे साइन जीरो हो जाता है, 3π/2 पे नेगेटिव में मैक्सिमम होता है, 2π पे अगेन जीरो हो जाता है, 5π/2 पे अगेन मैक्सिमम होता है। इस तरह से इसके पीक्स और क्रेस्ट आपको मिलते जाएंगे, है ना, क्रेस्ट और ट्रॉज आपको मिलते जाएंगे इस तरह। ठीक है, ये टाइम पीरियड भी आपको पता चल जाएगा। टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, है ना। ओमेगा को क्या लिख सकते हो? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, है ना। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखते जाओ, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? π/2। तो यहाँ पे π/2 प्लेस करोगे और ओमेगा का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा, ओमेगा इंटू टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे? T/4। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2π/T आएगा। देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T आएगा, कांस्टेंट है ना ओमेगा, तो आपका ओमेगा आपका कांस्टेंट है हर केस में। आपका देखो ओमेगा का वैल्यू सेम आएगा, आप कोई भी केस यहाँ से पुट करके देख सकते हो। थीटा का वैल्यू पुट करो, टाइम पीरियड का वैल्यू पुट करो, आपको ओमेगा हमेशा सेम मिलेगा, विच इज 2π/T। ठीक है, ये चीजें आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड है।
इसको आप समझ लो अच्छे से, सिंपल है, इलेवेंथ का कंसेप्ट है, इलेवेंथ क्लास में हम पढ़ के जो आते हैं ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई टी, बिल्कुल वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी लगाना, ठीक है। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये ग्राफ हमें क्लियर हो गया। इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल इज टेकन एज 0 degree, दैट इज नॉर्मल टू द कॉइल इज एट 90 degree विद द मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा बिकम्स थीटा प्लस पाई बाई टू, है ना। अब वो आप फेस चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, इनिशियल कंडीशन पे आपका डिपेंड करता है। जैसे हम SHM में पढ़ते थे, आपको याद होगा, इनिशियल कंडीशन पे आपका फेज डिपेंड करता है, इनिशियल फेज आपका क्या है, है ना। इनिशियल फेज आपका किस पे डिपेंड करता है, देखो इधर ध्यान से देखना। अब इसने क्या बोला, देखो अगर आपकी इनिशियल पोजीशन जो है कॉइल की इज टेकन एज 0 degree, दैट इज नॉर्मल टू द कॉइल इज एट 90 degree विद द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मतलब आपकी कॉइल ऐसी है इनिशियली, और इसका नॉर्मल क्या होगा आउटसाइड, है ना, इसका नॉर्मल क्या होगा आउटसाइड, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है आपकी, ठीक है। सपोज करो आपने इनिशियली कॉइल को ऐसे रखा हुआ, तो इनिशियली आप देखोगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 degree का, है ना। नॉर्मल आपकी आउट ऑफ द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट साइड है, दोनों के बीच में एंगल आपका अगेन 90 degree बन रहा है, विच इज पाई बाई टू, है ना। तो मेरा थीटा क्या होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। आपका थीटा क्या बन जाएगा, पहले वाले केस में हमने क्या किया था, कॉइल को ऐसे रखा था, मतलब इसका जो नॉर्मल था और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम था। पहले हमारा ओरिएंटेशन ऐसा था कॉइल का, इनिशियल ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ, इनिशियली पहले हमने कॉइल को ऐसे रखा था, तो आपका इनिशियल थीटा क्या होता था, 0 होता था। तो हम ऐसे लिखते हैं ना, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका इनिशियल फेज होता था। तो इनिशियल फेज जब आपका 0 degree होता था, तो हमारी इक्वेशन कैसी होती थी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि जब हमारा इनिशियल फेज एंगल 0 होता था तब हमारी इक्वेशन ऐसी होती। अब जब हमने फेज एंगल को 90 degree कर दिया, देखो सेकेंड वाला केस देखो, यहाँ पे आपका जो फेज है वो 90 degree है, तो आपकी इक्वेशन रिप्लेस हो जाएगी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू आपका इनिशियल फेज है ना। तो इनिशियल फेज आपका डिपेंड करेगा कि आपका कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा है, जरूरी नहीं है हमेशा आपका इनिशियली कॉइल इसी ओरिएंटेशन में हो, जरूरी नहीं है आपकी इनिशियली हमेशा कॉइल इसी ओरिएंटेशन में हो, हो सकता है इनिशियल ओरिएंटेशन आपको कुछ और दिया हो, 45 degree दिया हो, सपोज करो नॉर्मल ऐसा हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो, दोनों के बीच का एंगल 45 degree दिया हो इनिशियली, तब आप इस इक्वेशन को फिर से मॉडिफाई कर सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका ये फाई है इनिशियल फेज, वो डिपेंड करेगा कि आपका इनिशियली कॉइल आपने कैसे रखा है ना। इनिशियल ओरिएंटेशन आपका जैसा होगा उस हिसाब से आप उसको वेरी कराते जाओगे, जैसा आप लोग ये सेम कंसेप्ट हम लोग SHM में पढ़ते थे 11th क्लास में, है ना। इनिशियल फेस एंगल ओमेगा टी सारा वही का वही एकदम सेम चीज है, अगर आपने SHM पढ़ रखा है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, है ना। इनिशियल ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है आपका जो फाई है ना, इसको फेस एंगल भी बोलते हैं, इनिशियल फेस एंगल, है ना। यहाँ तक सब क्लियर हो बेटा, तो हम आगे चले फिर। एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट, चलो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं आज हम, बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली हमने, थोड़े एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
है ना। लेट अस ट्राई टू डू सॉल्व सम एग्जांपल्स ताकि आपको पता चलेगा। चलो तो हम यहाँ पे थे। अब हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट, तो चलो एक एग्जांपल करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक रिंग है, और उस रिंग को मैंने रोटेट किया, ठीक है। एक एग्जांपल करके देखते हैं इस पे। सपोज करो हमारे पास ऐसी एक रिंग है, और ये रिंग से एक रॉड कनेक्टेड है, ठीक है। इसका रेडियस है आर,